कहां है विक्रमादित्य जूदेव? पजेरो से एक टीचर को कुचलकर जान से मारने की कोशिश करने वाले दबंग विक्रमादित्य की तलाश पुलिस 3 राज्यों में कर रही है, लेकिन जशपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विक्रमादित्य का कोई अता पता नहीं। नाम विक्रमादित्य जूदेव, ताल्लुक जशपुर राजघराना, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रणविजय सिंह जूदेव के भाई, इनाम 5,000। क्या आपने इन्हें देखा है? 3 रोज पहले के वाक्य को याद करते हुए बुजुर्ग ब्रह्मेश्वर गुप्ता का गला रुंध जाता है। सोमवार को उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को पजेरो के पहिए से कुचल दिया गया। जब तक उस मोड़ पर पहुंचा जहां घटना हो रही थी, तो देखा कि विक्रमादित्य जूदेव को अपनी गाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिए और फिर उसको पीछे गाड़ी बैक किए और फिर उसको रौंदते हुए भाग गए। इतनी तेजी से भागे कि हम लोग डर गए कि कहीं हम पर ही गाड़ी न चढ़ा दें। झगड़े की जड़ यही वो जमीन है जिसे परमेश्वर गुप्ता ने विक्रमादित्य से खरीदी थी। परमेश्वर यहाँ स्कूल बनवा रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पिता के मुताबिक विक्रमादित्य जूदेव इस जमीन पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे। शक है इसी वजह से हमले को अंजाम दिया गया हो। चूंकि विक्रमादित्य का ताल्लुक छत्तीसगढ़ के जशपुर राजघराने से है, उनके भाई बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे में अब तक विक्रमादित्य की गिरफ्तारी न होना सवाल खड़े कर रही है कि कहीं इसके पीछे पुलिस पर कोई दबाव तो नहीं। सर, हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि इतना हाई फाई जो के सामने आ गया है, इसके 48 घंटे के बाद भी ऐसा कौन सा प्रेशर है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है? पुलिस के प्रयास जारी हैं और जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने बाकी अपने बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उनसे उनके जहां समन हो सकती है आरोपी मिलने की, वहां के एसपी से भी संपर्क कर लिया है। सभी हमें सहयोग कर रहे हैं। मामला तूल पकड़ चुका है। जूदेव परिवार को डर है कि कहीं जनता का गुस्सा उनकी हैसियत पर भारी न पड़ जाए, लिहाजा सांसद रणविजय सिंह जूदेव ने गुप्ता परिवार से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया और छोटे भाई से सामने आने की अपील की। कानून को अपना काम करना चाहिए और मैं विक्रमादित्य से भी कहना चाहूंगा कि भाई जहां कहीं भी वो हो बिल्कुल उसको सामने आना चाहिए, पुलिस और कानून को सहयोग करना चाहिए और अपना पक्ष भी सामने रखना चाहिए। लेकिन जब सांसद महोदय बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से बिना रोक टोक इलाके में घूमेंगे तो वो जनता को कानून के राज का कैसे भरोसा दिला पाएंगे? जशपुर में राज परिवार का दबदबा इस कदर है कि कोई भी आदमी यहाँ पर उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और जल्द से जल्द विक्रमादित्य सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, जशपुर, छत्तीसगढ़, आज तक। पूरे मामले पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल पहला ये है कि 3 दिन बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस क्यों नहीं विक्रमादित्य जूदेव को गिरफ्तार कर पाई है? दूसरा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव है? सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की? क्या पुलिस लापरवाही की वजह से जूदेव को भागने का मौका मिल गया? विक्रमादित्य जूदेव के खिलाफ पहले भी दबंगई की शिकायतें आई हैं, यह पहला मौका नहीं है, लेकिन पुलिस ने तब क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? साथ ही यह भी सवाल उठता है कि विक्रमादित्य जूदेव ने गांव वालों से गांव खाली करने या टैक्स देने का फरमान जारी किया था, तब पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की थी?